भय। भय का हमारे जीवन के साथ बड़ा गहरा संबंध। हमारे माता पिता बचपन से, देखो बेटा संभाल के बैठना, गिर मत जाना, भय। बेटा एग्जाम देने जा रहे हो, भगवान के पैर पड़ के जाना, भय। साइकिल चला रहे हो, संभाल के चलाना, गिर जाओगे, भय। एक लड़की को फोन पर आई लव यू कहने से डरना, भय। भय का बड़ा गहरा सा। गर्मी का मौसम है, अरे ठंडा पानी मत पीना, सर्दी जुकाम हो जाएगी, भय। बाहर मत निकलना, बहुत गर्मी है, लू लग जाएगी, भय। भय का बड़ा गहरा सा। पैदा होते हैं और हम जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर। लेकिन ये जो जब तक हम जीवित हैं, चेक डाला हमने बैंक में, पास होगा कि नहीं होगा, भय। ऑडिशन देने जाता है एक्टर, पता नहीं रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भय। बहुत भय। और यही सारे भय हमें एक अभिनेता के तौर जब मंच पे करने हो कि मेरी प्रेमिका अपनी सहेली के साथ उसकी जन्मदिन की पार्टी में गई है, भय। पता नहीं क्या करे, भय। पति बाहर पार्टी करके शराब पी के घर में आता है, सौंफ खाएगा, पान खाएगा, ये कहीं पत्नी जान न जाए कि मैं शराब पी कर, भय। हर क्षण हर पल भय सता। बस में सफर कर रहे हैं हम, कोई जेब ना काट ले, बार बार पर्स चेक कर, भय। पैसे निकालते गिर तो नहीं गया, भय। भय का कितना गहरा संबंध, हर पल हर क्षण भय। जब एक अभिनेता के नाते हम सीरियल, फिल्म, नाटक, कहीं भी आप कह लीजिए, जब इसी भय को हमें परफॉर्म करना होता है, रिक्रिएट करना होता है किसी अलग स्थिति में, हम सहज नहीं हो पाते। इन सारे रसों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि एक अभिनेता कितना सहज हो सकता है, कितना सहज हो सकता है। ये है भय, भूत का भय, जादू टोना का भय, तरह तरह के भय। अब हम बात करते हैं शांत रस। किसी भी मनुष्य के लिए जीते जी शांत हो जाना बहुत बड़ी, शांत वही हो सकता है जिसके भीतर ज्ञान भरा, मोह माया प्रेम लोभ इन सारी चीजों से निवृत्त हो चुका हो, त्याग चुका हो, और वह व्यक्ति ही शांत हो सकता है। अन्यथा ये मस्तिष्क कभी सोता नहीं तो शांत कैसे हो सकता। एक तपस्वी जब तप करता है और वो लगातार किसी एक ध्वनि पर अटिग रहता है, याद रखिएगा एक ध्वनि एक सुर, चाहे वो मस्तिष्क के भीतर क्यों ना चल रहा हो, उस पर अटिग रहना, उसको बार 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 उस ध्वनि को दोहराते रहना,
और अपनी तमाम इंद्रियों की भटकाव को रोक लेंगे, अपने वश में कर। सहज कार्य नहीं। एक तपस्वी जो निस्वार्थ भाव से तप कर, आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा का तप मनुष्य करता है, यानी वो स्वयं की आत्मा का ही तप करता है, उस अदृश्य शक्ति का आभास उसे शांत बनाता है। और शांत बनना बहुत 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 मुश्किल है, इसीलिए एक शब्द उपयोग किया जाता है, ये नहीं कहते कि वो मर गया, वो शांत हो गया। तो क्या अंतिम लक्ष्य शांत होने का मृत्यु है, या जीते जी मनुष्य लोभ मोह माया त्याग कर उन समाम जो बॉक्सेस हैं, वो जो तिजोरियां हैं, उनमें ज्ञान को भरता है, मोह माया के जाल से निकल के उनमें ज्ञान भर देता है, तब उसे शांति प्राप्त होती है, शांत रस मिलता है। बड़ा अद्भुत प्रश्न, क्योंकि हमारी जिंदगी पल पल घटती, एक अनजाने सी चिंता जिसे हम हर पल जीते हैं, मां पिता भाई पैसा धन दौलत घर द्वार खाना पीना कपड़ा लत्ता हवा पानी गर्मी ठंडी बरसात नदी पहाड़ पर्वत जल जाने क्या क्या है जिंदगी। एक पंछी आसमान में उड़ता है, हम उसे देखकर कहते हैं यार कितना खुश नसीब है आसमान में उड़ता, काश हम भी उड़ पाते। एक मछली पानी में तैरती है, हमें लगता है कि काश हम मछली होते और हम ऐसे तैर पाते, जिंदगी यहां बिता। अभिलाषाओं का संसार है, लेकिन इन सब चीजों से हटकर जब हम शांत हो गए, और एक अभिनेता के लिए इन सारे रसों को अभिनय के दौरान करने के लिए इस रस की पहले आवश्यकता कि हम अपने सारे घर की समस्या प्रेमिका की समस्या पत्नी की समस्या सब चीजों से मुक्त होकर अभिनय करने मंच पर सीरियल सिनेमा जहां भी आप कहें जब उतरते हैं सबसे पहले इसकी जरूरत होती है, जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं फोकस कहते हैं, बहुत बहुत आवश्यक। अच्छा नमस्कार।